जी महमूद भाई मौलाना जकरिया साहब और आपके थ्रू अल आयाना के दूर तरफ से जो कुर्बानियां मिली है। देखो हमें ऐसा ऐसा बस्ती जानदार ऐसा गरीब बस्ती जानदार हम गोश्त तकसीम कर रहे हैं जहाँ के लोग पूरे साल में थोड़ा बहुत उनको खाने को नसीब नहीं होता। देखिए सब लाइन में खाने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के लोग देखिए किस कदर गरीब हैं, थोड़े थोड़े गोश्त के लिए देखिए कितने दूर लंबा लाइन लगा कर खड़े हैं। ये जो है 2 किलो 2.5 किलो करके गोश्त इनको मिल रहा है। यहाँ पर जो है 10 जानवर कितने लोग देखिए वो वहाँ तक के वो दूर वहाँ तक के लोग खड़े हैं। ये 10 जानवर ये गाँव में नाकाफी है, कम से कम यहाँ 10 से 15 जानवर है इस गांव में चाहिए था। देखिए मैं आपको हम अल्हम्दुलिल्लाह इनको पर यूनिट करके हम ये गोश्त माशाल्लाह इन्होंने बहुत मेहनत की, अल्लाह इनकी मेहनत को जो जगह खैर तक फरमाए। मौली ज़करिया साहब मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ और महमूद भाई को आपने ऐसे गरीब बस्तियों में आपका हमने गोश्त तकसीम किया है जो मुझे लगता है कि अल्लाह के दरबार आसमान चीन के इंशाल्लाह कबूल हो गई। सबको आमीन 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 आमीन। ऐसे गरीब बस्ती पूरे साल गोश्त खाने को नहीं मिला, पूरे साल जब गोश्त बूढ़े लोग कहते हैं कि पूरे साल गोश्त खाने को नहीं मिला, आज ये लोग कह रहे हैं कि हमारे पास तेल नहीं मसाला नहीं, अब ये गोश्त हम जाके किस तरह पकाएंगे। मैं चाह रहा हूँ इंशाल्लाह 170 घर है इनको 100-100 रुपये इंशाल्लाह इनको देने के लिए मैं तैयार हो रहा हूँ। महमूद भाई चेक है ना, देख मेरा दिल रो रहा है, मैं इनको 100-100 रुपये इनके हाथ में भी दूंगा इंशाल्लाह आपके 100-100 रुपये इनके हाथ में दूंगा अभी आपके बैनर के साथ। चलो जजाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। गाना ह्यूमैनिटी वेलफेयर।